तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र लगातार नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार कर रही है। आए दिन नशे की बड़ी खेप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम एनसीबी की टीम कर रही है। वह इसी कड़ी में यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने नशीली गोलियों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज मीडिया को जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार कौशिक नाम ने बताया कि बीते दिन यूनिट कुरुक्षेत्र की एक टीम झांसा रोड कुरुक्षेत्र में गश्त कर रही थी कि टीम को सूचना मिली कि महिपाल राणा वासी कुबेर कॉलोनी झांसा रोड मेडिकल स्टोर संचालक है जो कि नशीली गोलियां लेकर अपने घर से कहीं जा रहा है। टीम ने तुरंत मौके पर जाकर नाकेबंदी करने शुरू कर दी और उस व्यक्ति को रोक कर उसकी और उसके स्कूटर की तलाशी ली, जिसमें उसके स्कूटर की तलाशी लेने के दौरान उसमें 3 अलग अलग पॉलीथीन बरामद हुए हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो कुरुक्षेत्र यूनिट है उसने कल नारकोटिक्स की कमर्शियल क्वांटिटी को पकड़ने में एक भारी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा कि मालूम है कि हमारे हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं ओपी सिंह साहब आईपीएस एडीजीपी, उनके मार्गदर्शन में और नीतिका गहलोत एसपी, एक मुहिम हमने छेड़ी हुई है नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत। पिछले एक महीने से हम इसमें 5 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल क्वांटिटी के 2 मामलों में हमें सफलता मिली, जिनमें से कल 30 तारीख को जब सुबह हमारी टीम झांसा रोड पे कुरुक्षेत्र में इस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए गश्त पे थी तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि महिपाल राणा जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है वो अपने घर से नारकोटिक्स की बड़ी खत लेके आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है अपने साथियों के साथ एएसआई संजय सिंह ने नाकाबंदी की और जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारी जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं नोटिस भेजा गया मजिस्ट्रेट ऑफिसर को, और जब ये